हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम लोग आए हैं जंगल सफारी। जी हाँ दोस्तों, रायपुर में ये बहुत ही फेमस है जंगल सफारी। और अगर आप विंटर वैकेशन में कहीं घूमने का प्लान बनाना चाहते हो रायपुर में, तो ये एक अच्छा प्लेस हो सकता है जंगल सफारी। और ये जो डिस्टेंस की बात करो, रायपुर से लगभग, अगर मेन रायपुर रेलवे स्टेशन से, ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपको आना है तो ये बाइक से भी आ सकते हो, और बाइक कार, और ज़्यादातर इसमें सुविधा आपको कार या फिर बाइक से अपनी सुविधा से आ सकते हो। वैसे यहाँ रेंट के हिसाब से अगर बोलोगे तो 300-400 के आसपास ये ऑटो से, या फिर आप रैपिडो और ओला से भी आ सकते हो यहाँ पे। और रही बात यहाँ की डिटेल्स की, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, हम पूरा भी डिटेल्स आपको देंगे। ये हम लोग आपको पीछे जो दिखा रहे हैं, ये है जंगल सफारी। और ये सामने टिकट काउंटर है, और इधर पार्किंग है, और उसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की भी सारी व्यवस्था है। तो चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और मिलते हैं आप वीडियो के सिनेमैटिक वीडियो के बाद। आपका टिकट काउंटर दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली आज क्लोज है सफारी। और ये क्यों, ये इसका प्राइस है, अगर आप क्लियरली दिखा दूँ तो ये है आपका प्राइस। और हम लोग जो ले रहे हैं वो जू ले रहे हैं, 50 रुपीज़ लगभग होगा। और चलो पूछते हैं कि कहाँ है, कोई है कि नहीं। भैया सफारी क्लोज है क्या? इधर से पूछना पड़ेगा, फुल हो गया, ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। अच्छा, क्या है वेबसाइट उसका? वेबसाइट क्या है ऑनलाइन? जंगल सफारी डॉट नया रायपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये जंगल सफारी डॉट नया रायपुर से आप टिकट बुक कर सकते हो, ये उसका प्राइस है। और अभी जू का मिल जाएगा, चलो जू का टिकट लेके आपसे मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे होता है मंडे क्लोज, ऐसा मंडे क्लोज, हर सोमवार आपको यहाँ पे बंद रहे। तो दोस्तों ये है इसका टिकट, और ये है जू वाला टिकट, क्योंकि सफारी अभी क्लोज है, और सफारी ये 2 दिन बाद ओपन होगा, उसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। अगर सफारी का पूरा वीडियो और भी देखना है आपको, तो सेकंड पार्ट ज़रूर बना दूंगा, मगर कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ घूमना है और सफारी का आपको डिटेल चाहिए तो एक बार और वीडियो बनाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और चलिए हम अंदर एंट्री करते हैं। हॉल जाने का रास्ता यहाँ पर आपको रुकना है, और फिर हम लोग आएंगे और वहाँ रुकेंगे, तो वहाँ एक बस आएगी और वो हम लोग को लेके जाएगी। तो चलिए बस में मिलते हैं आपको दोस्तों, तब तक पानी पी लेते, प्यास बहुत लग रहे है। तो ये है इसका जंगल सफारी का वेटिंग हॉल, और यहाँ हमको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगी बस, वहाँ से हम लोग जाएंगे जू, क्योंकि हमारे पास जू का ही है हमारे पास क्या बोलते हो टिकट। तो ये है जू वाली गाड़ी, और इसमें खड़े खड़े जाना पड़ेगा, इसमें बहुत लिमिटेड सीट है, 4-5 लोग बैठेंगे, बाकी लोग सब खड़े रहेंगे, जो सीट मिलेगा उसको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ अभी बहुत सारे, बहुत जगह है, बहुत जगह आने दो, बहुत जगह। तो ये हम लोग आ गए, ये बस से उतर के हम लोग अब दूसरे लोग जा रहे हैं। और यहाँ है सफारी जू, बहुत बड़ा सफारी जू लिखा हुआ है, ये रायपुर का सबसे बड़ा जू है, और ये जंगल सफारी का ही है पार्ट है। और यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं, और कहाँ गए एकदम, अच्छा उधर है क्या, ये हमारे साथ आने वाले बंदे हैं, चलिए अंदर चल लेकर चलते हैं, आपको एक एक डिटेल देंगे, चलिए ब्लॉग में बने रहिए। ऐसे ये आपका एंट्री है, और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, और उनके साथ हम लोग भी जा रहे हैं। चलिए हम लोग सीधा आपको बहुत सारे जो यहाँ के चिड़िया के प्रजातियाँ हैं जू की, वो सारी एक एक चीज़ आपको शॉर्ट्स में डिटेल्स में बता देंगे, चलिए।
और ये उसका मैप है कि कौन सी चिड़िया कहाँ पे रहती है, वो सारा डिटेल इसमें आपको देखने मिल जाएगा। हमारा सफारी नक्शा, और दिख रहा है आपको दोस्तों चिड़ियाघर का पूरा मैप है। ये है गौर इंडियन बिसोन, इसका नाम है बोस कोरस, ये है वैज्ञानिक नाम। और ये जो बैल बैल है, भैंस है, वो हमारे घर साइड बहुत है, तो आपको बहुत आराम से दिखाऊंगा। इसके लिए हमारे को जंगल सफारी आने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे घर साइड बहुत सारे हैं। तो ये स्टारबक्स के साथ साथ हम देखते हैं आपको ब्लैक बक कैसा दिखता है, क्योंकि स्टारबक्स तो हम जानते हैं, ब्लैक बक्स दिखाते हैं आपको किस तरीके का होता है। तो ये है ब्लैक बक्स, बक बक बोलते हैं ना, बक बक करने वाला, हो सकता है ये ब्लैक बक वैसी होगा। मैं ऐसा ही हूँ, क्या है इसका हार, ये फुल घास फूस खाता खाता है। है, मतलब ये शाकाहारी है। और इसकी हैबिट्स क्या है, छोटी घास की मैदान। और कहाँ है, चला गया क्या ब्लैक वाला? हाइपर हाँ ये है ब्लैक बॉक्स। और यह है लोमड़ी का दृश्य, और अगर आपको लोमड़ी दिखाई देता होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, सॉरी हमको दिखाई देगा तब आपको जरूर दिखाएंगे। तो वेट करते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे है। और ये शायद कहीं दिखा मिला, मिला मिला, छोटी सी दिखा। लोमड़ी है, देखो ये है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो सोई है, यही है लोमड़ी, सोया है कि सोई है तो पता नहीं। यहाँ पे क्या क्या देखने मिलेगा, वाइट टाइगर, एसिटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, हिमालयन डियर, ये आपको पांचों चीज़ें आने वाले जो स्लॉट है उसमें देखने मिलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं वाइट टाइगर, यहाँ पे जूम करूँगा तो आपको पूरा दिखाई देगा। दिख रहा है ना वाइट टाइगर, ये देखो सोया हुआ है। मूवमेंट कर रहे हैं वाइट टाइगर, अगली बार सैमसंग गैलेक्सी S20 से बनाऊंगा तो अच्छा दिख। क्यों खेलते हैं दोस्तों, ये अभी खाना खा के सो रहा है इसलिए जमाई ले रहे हैं, अभी नींद आ रहा है इसको। आ जा इधर, हम लोग से मिलने आ जाओ, गाय थोड़ी है यार वो टाइगर। को गार्डन के साथ साथ आपको यहाँ झूला घर भी देखने मिलेगा, यहाँ बच्चे लोग झूल रहे हैं, तो हम अंदर नहीं गए हैं इसलिए आपको बाहर से व्यू दिखा देते हैं कि इस तरीके का है करके। और आगे फिर चलते हैं व्लॉग में दोस्तों, बने रहिए। और ये बिल्कुल पीछे, बिल्कुल ये हमारा दोस्त है जो पीछे पीछे भाग जाता है, कोई बात नहीं, कभी इसका भी फेस रिवील करवा देंगे हमारे चैनल पे आके। चलिए तो चलो सामान खाते हैं, जूम करके देखते हैं पता चले। ये इसके पीछे कहाँ बैठा है, कहाँ दिखते हैं, अच्छा हाँ वो दिखते हैं। तो दोस्तों नाश्ते में अपने सांभर बड़ा जरूर खाया होगा, मगर हम देखने दिखाते हैं आपको सांभर बड़ा, तो हम लोग खा सकते हैं बाद में, तो आपको पहले सांभर दिखाते हैं फिर बड़ा हम लोग खाते हुए दिखाएंगे। तो ये है सांभर का प्रजाति, यही है क्या सांभर, ये है सांभर, यहाँ पे रहते हैं। और सांभर इस तरीके का दिखते हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं दोनों बतियाते हुए कि आज का दिन कैसा गया आप लोगों का बताओ करके। चलिए आप भी बताइए दोस्तों आपका दिन कैसा जाता है, और कमेंट में जरूर बताइए। ये है मिलिए सांभर से, हमें जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली सभी हिरण की प्रजाति, हिरण प्रजाति में सबसे बड़ा है, मतलब हिरण जैसा दिखता है ये। और नाम से इनको सांभर नाम से जाना जाता है। ये है हिप्पोपोटामस, और कहीं दिख रहा है कि हिप्पोपोटामस, ये उसका पानी है, और ये पानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पे। और इस साइड आपका हिप्पोपोटामस है, तो ये सामने सामने हटो यार, जल्दी वहाँ से हटो। ये है लकड़बग्घा, और इसका नाम है हाइना, हाइना नाम है, हाइना हाइना। और ये है भूपेश बघेल जी द्वारा ये उद्घाटन हुआ था 2020 में। और ये है आपको लकड़बग्घा, कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है,
वही है क्या, वही है क्या वो जो तो कितना दुबला हो गया यार, खाने नहीं मिलता है उसको, दुबला दिख रहा ना। ये इसका डिटेल है, आप पढ़ लीजिए दोस्तों। खट खट खट, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा दुबला हो गया है और मैं शासन प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको खाने के लिए ज़्यादा दीजिए दोस्तों, ताकि वो थोड़ा सा मजबूत बने। इधर दिखा देते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है और इसका नाम बादशाह है। ये देखो दिखा, आई एम बादशाह लिखा हुआ है। और बादशाह भाई कहाँ पे, बादशाह भाई, बादशाह भाई यहाँ पे, बादशाह भाई ये देखो आपको दिखा दे रहे हैं। बादशाह भाई सोया हुआ, आराम से सोए हुए हैं। चलो हम जगाते नहीं इसको। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम वाली चीज़ है। सभी सांप विषैले नहीं होते, भारत में पाए जाने 80% सांप विषहीन होते हैं। देखिए ये विषैले सांप है और ये विषहीन सांप है। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो मगर आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा विष है कौन सा विषहीन है। और ऑब्वियस सी बात है कि विषहीन है मतलब सेफ है, मगर सांप कोई सेफ होता ही नहीं पहली बात। चलिए आगे आपको सांप की प्रजातियाँ देखते हैं। ये है घारीदार कैरेट, इस तरीके का उसका धारी होता है और इसमें इस काले पीले धारे त्रिकोण शरीर में आसानी होती है। ये जहरीला होता है दोस्तों, तो कहा गया है इसमें जहरीला वो सांप वहाँ पे है लग रहा है। वो देखो धारी वाला है वहाँ पे है ना, ये इसके पीछे है, पेड़ के पीछे जूम करके देख सकते हैं। ये देखो ये वाला जो है HD क्वालिटी, ये है दबैया और ये भी जहरीला होता है आप देख सकते हो। और अगर आपको दिखाई देंगे तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। कहीं दिख रहे हाँ दिख रहे, आपको भी दिखाते हैं, कांच के कारण हो सकता है ना दिखाई दे, हमारा ही फेस दिख जाए। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को बहुत कठिनाई हो रही है कांच करके, मगर चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। सब में कांची है तो आपको परेशानी तो होगी दिखाने का। ये होता है नाग, और नाग होता है महादेव का धारण करते हैं वो गले पे। और ये भी जहरीला होता है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है नाग है तो जहरीला होगा, उसको इंग्लिश में इंडियन कोबरा बोलते हैं। और चलिए आपको इसको दिखाते हैं, कहीं है क्या तो आपको, खैर कहीं दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट तो उतना क्लियर नहीं है और कोशिश कर रहे हैं, हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है तो शायद है ही नहीं। नहीं चलो, ये है नाग और नागराज अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये भी किंग कोबरा है और ये होता है जहरीला, इस तरीके की इसकी प्रजातियां होती है। और भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ भाई दिखे तब तो है। कुछ वाइट वाइट किधर है, वहाँ पर कुछ दिखा था वाइट वाइट, अभी गया था मैं कोने में, भाई तो नहीं दिख रहा यार। चलो आपको इस तरीके से आपको पूरा डिटेल जानकारी दे देते हैं। ये अजगर, इसको रॉक पाइथन बोलते हैं और ये जहरीला नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट खा लेता है दोस्तों। देखो अजगर की जगह में आपको कबूतर देखने को मिले। और ये एक गजब की चीज दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे पाइथन है मगर ये पाइथन का फेस बदल दिया गया है यहाँ पे, इच्छाधारी पाइथन है दोस्तों। तो खैर ये मजाक है, यहाँ पे हो सकता है चेंज कर दिए गए होगा, पता नहीं उसके बारे में। ये है रेटिक्यूलेटेड पाइथन, सॉरी दोस्तों इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा कठिन होता है। ये भी जहरीला नहीं होता, मतलब जितने भी अजगर प्रजाति होते हैं मे भी अब नहीं होते उतना जहरीले। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये है कैरेट, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है दोस्तों, कॉमन कैरेट ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और आहार इसका अन्य सांप छिपकली उत्तम मेंढक है। और दिख रहे हैं सब सो गए हैं, ये बम्बू पीट है, ये एकदम
वृक्षवासी और धीमी गति से चलने वाला सांप है। ये जहरीला, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। पक्षी के ऊपर मेंढक छिपकली खाते हैं और 5 से 7 वर्ष ये इनकी आयु होती है। और ये तो ग्रीन कलर है तो मे भी ये दिखे ही ना, कोई नहीं दिख रहा है साफ। पैसा खर्चा कर दिए यार। ये है धामन, ये भी बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं होता क्योंकि इसमें लिखा है जहरीला नहीं होता। मेरे को लगा इसको वैज्ञानिक नाम टायस म्यूकोसा है। हमारा तो कोई वैज्ञानिक नाम ही नहीं है। और दिख रहा है कहीं होती है। ये है साखड़ सांप, ये भी जहरीला नहीं होता दोस्तों। इस तरीके का होता है, काला कलर। और ये आपको बहुत ही जानकारी वाली चीजें हैं तो जरूर, और ऐसे ही आगे लेकर चलते हैं। तो ये है, हम लोग एंट्री गेट से बाहर निकलते हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय, जय श्री राम। हमारा ये प्राकृतिक फिर से खैर, आपको लाइव फोटो शूट करने के लिए यहाँ तक आए हैं तो बेचारे का फोटो शूट करवा लेते हैं। मगर इस टाइप का फोटो शूट भी हो सकता है, इनका पोज होगा है ना। ए वाह, बेहतरीन पोज। बहुत बेहतरीन।